सब्सक्राइब करें ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी के लिए और सबसे पहले बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। नमस्कार, ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रिव्यू बताऊंगी लॉरियल इनफैलेबल 24h फाउंडेशन की। सबसे पहले मैं आपको अपना शेड बता दूँ, मेरा जो शेड है वो है 300 अंबर। ओके, और मैं आपको इसकी क्विकली प्राइस भी बता दूँ कि ये 30 ml फाउंडेशन मिलता है 1400 रुपये का। जी हाँ, अभी आप बोलेंगे ये तो काफ़ी महंगा फाउंडेशन है। हाँ, ये महंगा फाउंडेशन है, पर ये क्यों अच्छा है या इसमें क्या ऐसी बुराइयाँ है, हर एक चीज़ आज आपको मैं डिटेल में यहाँ पर बताने वाली हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। अक्सर आप सभी को पता होगा कि हम बोलते हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। कहानी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, कहानी कुछ ऐसी ही है। मैंने जब इसे ख़रीदा था, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा था मुझे भी। 1400 रुपये कम नहीं होते। अगर आप सस्ते फाउंडेशन की बात करें तो कभी कभी 1400 रुपये में 2 या 3 फाउंडेशन भी आ जाते हैं, और कभी कभी तो 4, 5, 6 भी आ जाते हैं, पर ये काफ़ी महंगा है। तो क्या सही रहेगा 1400 रुपये देना और ये फाउंडेशन ख़रीदना? वही चीज़ मैं आपको क्विकली बता दूँ कि ये जो फाउंडेशन है हाई कवरेज देता है। जैसे कि अगर आप अपने चेहरे पर अच्छा एक लुक चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका मेकअप एकदम उठ के आए, अच्छा दिखे, और कहीं पार्टी में आप जब जाते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि फाउंडेशन की वजह से आपके चेहरे पर जितने भी डार्क धब्बे या ब्लेमिशेस है वो छुप जाए, तो ये एक्चुअली अच्छा फाउंडेशन हो सकता है उन सारे कामों के लिए। मैं आपको बता दूं कि इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी थिक आता है, और थोड़ा सा मतलब ड्राई स्किन के लिए इसे लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है, पर ड्राई स्किन अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर ले तो ये बेस्ट फाउंडेशन हो जाता है। क्योंकि मेरी भी ड्राई स्किन है और मैं अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेती हूँ और फिर इसे लगाती हूँ, तो मेरी स्किन पर इसका जो कमाल है ना वो लाजवाब दिखता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कहीं अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट फाउंडेशन है। जैसे कि मैंने आपको बोला, इसका टेक्सचर काफ़ी थिक है, इसलिए इसे स्प्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि इसे आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है और उसके बाद अपने चेहरे पर लगाना है। अगर आप एक साथ ज़्यादा फाउंडेशन अपने चेहरे पर लगा लेंगे और अगर आप उसे स्प्रेड करेंगे तो हो सकता है लगाते लगाते वो जो फाउंडेशन है वो ड्राई हो जाएगा और स्प्रेड अच्छे से नहीं होगा। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन अपने स्किन पर लगाना है। इस फाउंडेशन को लगाने के लिए चाहे तो आप अपने मेकअप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेकअप स्पॉन्ज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी हाई कवरेज देता है, और जब आप इस फाउंडेशन को लगाते हैं और अगर आपको कंसीलर नहीं लगाना है तो भी चल सकता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा हाई कवरेज देता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इतना ही नहीं, ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, मतलब जितना भी चाहे आपको पसीना आ जाए या आप अपने चेहरे को धो लीजिए, आपका फाउंडेशन कहीं नहीं जाएगा। जब तक आप प्रॉपरली अपने मेकअप को रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये फाउंडेशन आपके स्किन पर जस के तस रहेगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, चाहे 10 घंटे हो, 12 घंटे हो, 14 घंटे हो, ये जस के तस आपके स्किन पर रहता है। हो सकता है ये हल्का हल्का हो जाए कुछ घंटों के बाद, पर इतनी तुरंत ये आपके स्किन से नहीं जाता। 10-12 घंटे के बाद हो सकता है आपके स्किन पर ये थोड़ा हल्का दिखे, क्योंकि मैं इसे 3 या 4 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे इसका इतना पता है कि 10-12 घंटे तक तो ये स्किन पर एकदम जमा रहता है। और कहीं अगर आप एसी वाले जगह पर है या ठंडे जगह पर है तो फिर तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये बेस्ट फाउंडेशन है, क्योंकि ये जस के तस रहता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इतनी ही चीज़ें नहीं, तो ये नो ट्रांसफ़र भी है, इस ये क्लेम करता है, नो विजिबल इम्परफेक्टिंग वाला भी क्लेम करता है, नो विजिबल शाइन क्लेम करता है, नो ड्राई आउट क्लेम करता है, और नो मास्क इफेक्ट। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ फाउंडेशन आपको मास्क जैसा इफेक्ट देते हैं, वाइट वाइट, ये वैसा भी नहीं दिखता। ये एकदम लगता है जैसे आपकी स्किन ही ऐसी है या नेचुरल दिखता है।
और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ ये इनरिच विथ हाइड्रेटिंग हाइड्रोलर है और एक्सट्रीमली होल पिगमेंटेशन फॉर ऑप्टिमम कंफर्ट है और ये 24 घंटे तक जस के तस रहता है और इसके अंदर आई थिंक SPF नहीं है, यही एक दिक्कत है कि इसके अंदर SPF नहीं है, इसलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन लगाकर धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, अदरवाइज ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि किरण तुम क्या बोलोगी, क्या हमें सच्ची में ये फाउंडेशन लेना चाहिए, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप अच्छा दिखे, दी बेस्ट दिखे, तो जी हाँ आपको ये फाउंडेशन लेना चाहिए। इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, ये जो ग्लास की बॉटल है थोड़ा सा हैंडल विथ केयर करना पड़ता है, पर इतना महंगा प्रोडक्ट तो हम वैसे ही बहुत ही प्यार से संभालने वाले हैं, आप सभी को पता है। और इसका ये जो कैप है ये काफ़ी अच्छा है, तो आराम से आप इसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ये पंप भी बहुत अच्छा है, जब आप प्रेस करेंगे तभी प्रोडक्ट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलता, जितना मतलब ज़रूरत है उतना ही निकलता है, तो पैकेजिंग वाइज भी ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है तो ये फाउंडेशन दी बेस्ट फाउंडेशन है और मैं इसे 5 में से 4.5 स्टार देती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। बस मुझे इससे दिक्कत एक ही आती है कि इसके अंदर SPF नहीं है, ये सन प्रोटेक्शन नहीं देता है, डैट सेट, अदरवाइज मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई रियली होप कि ये जो फाउंडेशन का रिव्यू है आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा, अगर रहा है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन चल रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का पूछिएगा, मैं पक्का उन्हें आंसर करूँगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अभी भी आपने मेरे चैनल के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप सभी को सबसे पहले पता चल जाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।